स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सलोना 94 और आज हम बात करेंगे भारत के 26वें राज्य के बारे में जिसे छत्तीसगढ़ बोलते हैं। और ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल से अपडेटेड रह सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से बनाया गया है, तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ विशेष बातें। तो चलिए सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास पश्चिम कौशल का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इसका भूगोल मतलब ये किन किन राज्यों से घिरा हुआ है, तो ये 6 राज्यों से घिरा हुआ है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। अब चलते हैं इसके जिले के बारे में। तो शुरुआत जब इसका गठन हुआ था तो इसके 16 जिले थे, फिर नए 2 घोषित हुए जिनका नाम है नारायणपुर और बीजापुर। और मुख्यमंत्री हमारे अभी जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह, वो 15 अगस्त 2011 को 9 और जिले को घोषणा कर दिए जो 1 जनवरी 2012 से अस्तित्व में आ गए। बात करते हैं कला एवं संस्कृति की। आदिवासी कला काफ़ी पुरानी है। प्रदेश की आदिवासियों जनसंख्या हिंदी की एक उपभाषा छत्तीसगढ़ी बोलती है। यहाँ महुआ और तेंदू के पत्ते एकत्रित की जाती है। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ी के खेल के बारे में। छत्तीसगढ़ी बाल खेलों में अटकन बटकन लोकप्रिय सामूहिक खेल है और भी बहुत सारे खेल हैं जैसे बुगड़ी, लंगड़ी, कबड्डी, डांडी, पौवा। अब हम बात करते हैं जातियों के बारे में। छत्तीसगढ़ में कई जातियाँ और जनजातियाँ हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है। अब हम बात करते हैं पर्यटन स्थल। छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो दर्शनीय हैं जैसे नवागढ़, सतगंगा, कैलाश गुफा, सिरपुर, मैनपाट, गंगरेल, बांध, बोरम देव मंदिर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें, और अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें प्लीज़ बताएं कि हम और क्या मेहनत करें जिससे आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे।